नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने बोर्ड से प्रतियोगी परीक्षाओं के विभिन्न मुद्दों जेईई मेन और नीट को आज छात्रों के शिक्षकों और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत में संबोधित किया। छात्रों ने मुख्य रूप से अपनी परीक्षा से संबंधित मुद्दों पर चिंता जताई है। जेईई मेन के पाठ्यक्रम और तथ्यों पर एक प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि वर्ष में 4 बार परीक्षा आयोजित करने का मुख्य सुझाव दिया जा रहा है और मंत्रालय सकारात्मक रूप से जांच करेगा। मंत्री ने एक नए पेपर पैटर्न का भी संकेत दिया जिसमें अधिक विकल्प आधारित प्रश्न शामिल थे। जेईई मेन 2021 के लिए पाठ्यक्रम पिछले वर्ष की तरह ही रहेगा और प्रस्ताव की जांच चल रही है, जहां छात्रों को 75 सवालों के जवाब देने के लिए दिया जाएगा। भौतिक, रसायन, विज्ञान और गणित में प्रत्येक 25 प्रश्न, 90 प्रश्न में से 30 प्रत्येक भौतिक में से 30 प्रश्न रसायन, विज्ञान और गणित के। जेईई मुख्य 2020 के लिए 75 प्रश्न थे जिनका उत्तर उम्मीदवारों को देना था। भौतिक, रसायन और गणित में प्रत्येक 25 प्रश्न, मंत्री ने बताया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि स्वास्थ्य और परिसर कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के परामर्श से मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2021 की तारीखों को अंतिम रूप दिया जाएगा। मेडिकल प्रवेश परीक्षा एक ही पाठ्यक्रम के बाद आयोजित की जाएगी। मोड चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन परामर्श किया जाए। लाइव बातचीत के दौरान छात्रों ने मुख्य रूप से CBSE सहित बोर्ड परीक्षाओं को तारीखों पर चिंता जताई। पोखरियाल ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के तारीख तय करने के लिए हितधारकों के साथ ही विचार विमर्श जारी है और जल्द ही हितधारकों से मिले फीडबैक के आधार पर इसकी घोषणा की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि यदि व्यवहारिक नहीं किया गया तो विकल्प तलाशे जाएंगे। जैसा कि बोर्ड परीक्षा निकट है, विभिन्न राज्यों में कोरोना सुरक्षा प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए अपने स्कूलों को फिर से खोल दिया है। पोखरियाल ने कहा कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों को फिर से खोलने के लिए SOP दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो स्कूलों को फिर से खोलने और शारीरिक सामाजिक दूरी के साथ सीखने और डिलीवरी से संबंधित शैक्षणिक पहलुओं से संबंधित है। पढ़ाई के मंत्रालय लगातार राज्यों के संपर्क में नहीं है।